अग्नि कोण का शौचालय, यानी कि दक्षिण पूर्व कोने में बना शौचालय घर में होने वाले मांगलिक कार्यों यानी कि विवाह आदि में अड़चने पैदा करता है, घर के अंदर पैसे की दिक्कत खड़ी कर देता है। अग्नि कोण में बना शौचालय घर की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है। अग्नि कोण का शौचालय जीवन में आने वाली बाधाओं को कई गुना बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अग्नि कोण में बने शौचालय के बारे में कि अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में बने शौचालय के कारण हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका सटीक उपाय क्या है और उपाय ऐसा जो तुरंत काम करे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो अगर आपके घर के अंदर अग्नि कोण में टॉयलेट है तो आपके घर के अंदर कोई ना कोई एक लाइलाज बीमारी घुसने का डर बना रहता है, यानी कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लंबे समय तक दवाई खाते रहो मरते दम तक, ऐसी बीमारी इस दिशा का टॉयलेट देता है। व्यापारियों का उधार दिए सामान का पैसा फंस जाता है, सामान तो गया लेकिन सामान के बदले पैसा नहीं आया, यानी कि व्यवसाय में नुकसान। जीवन में धन की कमी भी बनी रहती है क्योंकि अग्नि कोण शुक्र ग्रह का है और शुक्र है माता लक्ष्मी। अगर यह कोना पीड़ित हुआ तो माता लक्ष्मी समझो नाराज है। अग्नि कोण में बना शौचालय परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। जिसके घर में अग्नि कोण में शौचालय होगा उसके घर में बच्चों की शादी को लेकर के समस्याएं बनी रहती हैं, यानी कि शादी होने में भी दिक्कत और शादी के बाद भी दिक्कत, यानी कि जीवन में आने वाली समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। एक समस्या खत्म हुई कि सामने से दो समस्याएं और नहीं आ जाती हैं। यहाँ का शौचालय घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी करवाता है और लोगों को काम के प्रति उदासीन बना देता है, आलसी बना देता है। अग्नि का स्थान है, घर की रसोई का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है, ग्रह लक्ष्मी का स्थान है। जहाँ घर के सदस्यों के लिए खाना पकना चाहिए, भोजन बनना चाहिए, वहाँ आप टॉयलेट के रूप में राहु को बिठा देंगे तो राहु क्या है? राहु केमिकल है, राहु जहर है, राहु इन्फेक्शन है, राहु एलर्जी है, राहु नशा है, राहु लड़ाई झगड़ा है, राहु बुद्धि को भ्रमित करता है, राहु डाउट पैदा करता है, शक पैदा करता है। तो घर के अंदर अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु पीड़ित हुआ और कहीं चंद्रमा राहु के साथ हुआ तो ऐसा व्यक्ति जहर भी खा लेता है या फिर जहर खुरानी का शिकार हो जाता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नशा भी करने लग जाते हैं या यूं कहें कि पूरे दिन नशे में ही रहते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अग्नि कोण में किसी को भी शौचालय भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, और अगर आपने भूलवश अग्नि कोण में शौचालय का निर्माण कर लिया है तो इस भूल को जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए। इसका जो उपाय है वो आपको कर लेना चाहिए। अब अगर हम अग्नि कोण के टॉयलेट के उपाय की बात करें तो सबसे पहला उपाय जो है वह यह है कि शौचालय को वहाँ से हटा दीजिए, और अगर हटा नहीं सकते तो उपाय का दूसरा विकल्प जो है वह है तांबे की पट्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अग्नि कोण में टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ कट लगाकर उस कट में तांबे की पट्टी लगाएं और उसके ऊपर सफ़ेद सीमेंट लगा दें। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टॉयलेट सीट के चारों तरफ जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है उस प्रकार से आपको कट लगाना है, और तांबे की पट्टी भी आपको नज़र आ रही होगी, इस प्रकार की तांबे की जो पट्टी है आपको उस कट में लगानी है। तांबे की ये पट्टी लगभग 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए और इसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपको जो कट लगाना है वो भी लगभग 1 सेंटीमीटर का ही होता है या 1 सेंटीमीटर का ही लगाना है, और इस कट में तांबे की ये पट्टी मोटाई वाली साइड से लगानी है। और एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि चारों कोनों में जहाँ दो तांबे की पट्टियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो ये उपाय है ये तुरंत अपना प्रभाव दिखाने वाला उपाय है। तो दोस्तों अगर आपके घर में टॉयलेट अग्नि कोण में है तो ये उपाय आप जल्द से जल्द करिए, जिससे कि आप
उससे होने वाले नुकसानों से बच सकें। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में एक नई दिशा के शौचालय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।